हेलो फ्रेंड्स, आज संडे था तो फौजी साहब ने कहा कि आलू के पराठे और दही फ्राई कर बना करके और फिर खिलाओ। तो ये देखिए, ये मैंने सबसे पहले आलू उबाल के रख दिए हैं और अब ये सब ये देखिए, ये मैं दही फ्राई कर रही हूँ। सबसे पहले तो दही फ्राई के लिए मैंने टमाटर प्याज ये पका लिए हैं और इस गैस बंद कर दिया है। अब इसमें मैं दही है तो ये ऐड कर दूँगी। अब जैसे ऐड कर दूँगी तो थोड़ा मसाला गर्म है तो मैं इसको हल्का सा हिला दूँगी ताकि ये कहीं फट ना जाए, इसलिए। तो ये हमारे ये है दही फ्राई बन के तैयार हो गया है। अभी ये तो एक बर्तन में मैं रख दी हूँ। अब ये है ये आलू के पराठे के लिए ये मैंने प्याज का और हरी मिर्च का तड़का लगा करके अब ये आलू के पराठे के लिए मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। और ये उबले हुए आलू थे तो इसमें मैंने आलू ऐड कर दिए। अभी ये मैं मसाले ऐड कर रही हूँ। इसमें यह है नमक, थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी और थोड़ी सी हल्की सी लाल मिर्च और ये हल्की सी हल्दी। तो ये मिला करके मैं इनको थोड़ा सा हल्का सा पका करके और फिर धीमी आँच में पकाऊँगी, नहीं तो कहीं लग जाएंगे। तो ये मेरा ये आलू के जो पराठे के लिए हैं ये मसाला बन करके ये तैयार हो गया है। और अब ये मैं आटा लगा ली हूँ और अब ये गरम ये है देसी घी है तो ये देसी घी के अंदर अब ये मैं पराठे बनाऊँगी। ये है आलू के वो जो मसाला था बनाया था वो है। और ये मैंने ये देखे अभी ये मैंने आलू के पराठे बना लिए हैं और अभी ये है मसाला इसमें जो डाल करके मसाला डाल कर फिर बाद में बना रही हूँ। तो अभी ये फौजी साहब को ये परोसे हैं मैंने ये तो ये बहुत ही अच्छे बता रहे हैं खाने के लिए कि बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट।